नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर खानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर किए चोरी के वाहनों के साथ तीन बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से आधा दर्जन चोरी के वाहन, तमंचे और जिंदा कारतूस किए बरामद। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त थाना जहांगीराबाद के हैं निवासी। तीनों अभियुक्त पहले भी कई बार दिल्ली NCR सहित वाहन चोरी की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों का खंगाला जा रहा आपराधिक इतिहास। देखिए, जनपद में विगत दिनों से जो वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं की रोकथाम के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इंस्पेक्टर खानपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। उस टीम ने गहन सुरागरती पतारसी करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर कल कार्रवाई की और इसमें तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और इन अभियुक्तों से 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये मोटरसाइकिलें दिल्ली से और गौतम बुद्ध नगर से और बुलंदशहर से चोरी की गई हैं। इसमें सफलतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है। 2016 से ही इस तरह के वाहन चोरी की घटनाओं में ये संलिप्त रहे हैं। इसमें इंस्पेक्टर खानपुर की टीम ने अच्छा कार्य करते हुए ये बरामद की थी। सर, कुछ हथियार बरामद हुए हैं क्या? हाँ, इसमें एक तमंचा और चाकू भी।